नमस्कार और आदाबाद। सनीचर है, अगस्त की 10 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। 31 साल का एक सरनाम का आदमी जो है, एक सुरिनामर जो है, इनको सुख को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डा मुंबई इंडिया में गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं। इनके पास 2 किलोग्राम कोकाइन मिला है। मुंबई मिरर जो न्यूज़ दिन से इंडिया का, ये बताते हैं कि इसका नाम है डेसमोंड एडवर्ड प्रिंस। ये एक आन नेमर है वेग आन लख में, सुरिनाम देश में। ये दृश्य जो है एक स्पेशल बनाए हुए, एक खास बनाए हुए ओंदर ब्रुकन में ये छिपाए थे और खोजबीन पर, तलाशी लेने पर ये दृश्य इनके पास मिला है। कुल मिलाकर 2090 ग्राम और ये कोकाइन 42 ट्रिलियन फेयर तक अनेक जगह पर छुपाया गया था। यह आदमी जो है, ये बताए है अपने पूछताछ पर, ये बताए है कि ये जो कोकाइन है इन्हें ब्राज़ीलिया में मिला है। ब्राज़ीलिया से ये गए हैं अदिस अबेबा इथियोपिया और इथियोपिया से ये मुंबई तक सफ़र किए हैं। डग बोट का मामला में जिसमें द्रुक्स मिला था, ये मुकदमा जो है ये फिर से एक बार टाल दिया गया है अक्टूबर के 7 तारीख से ही 5 अक्टूबर तक। 8 लोग जो जज के सामने पेश किया गया है, इन लोगों को फिर इंतज़ार करना है क्योंकि जो रेख्तर है, जज जो है मौरीन दयाला जो है, ये छुट्टी से गए हैं। तो इसका मतलब ये है या ये हुआ है कि 7 तारीख अक्टूबर को ये मुकदमा फिर जारी होगा। इन 8 फरदख्तन जो है, इन लोगों का वकील बनी तोपेक और इरविन कन्हाई जो है, ये बात इन लोगों को पसंद नहीं है। इन लोगों का ये मानना है कि जज को इस केस के बारे में सभी जानकारी है, लोग फोरलोपख इन्फ्रेहेड सेलिंग का मांग किए थे तो इस पर जज गौर कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वैसे ये सब इसका गुजारिश किए थे फोरलोपख इन्फ्रेहेड सेलिंग का, लेकिन इस पर रेख्तर ने गौर नहीं किया है। अब रेख्तर वकांसी से गए हैं और ये कैदियों जो है या ये फरदख्तन जो है, इन लोगों को एक गंदा कैद खाना में रहना है। ये इनके वकील का कहना है, इन 8 फरदख्तन के वकील का कहना है। स्कूलन गमेंशाप आर्या देवाकर पर कुछ ऐसा मामला है जो दिन पे दिन बिगड़ता जाता है और यह इंस्क्राइबिंग के सिलसिले में। यहाँ पर 6 स्कूलन है, स्कूलन गमेंशाप आर्या देवाकर के पास 6 स्कूलन है और 3 मिलो स्कूलन है। इन लोगों को मोहरत दी गई है इंस्क्राइब भरने को और यह है औदर बैद्राह के साथ। कुल मिलाकर खलो लेरलिंगन के वास्ते, हे एल ओ लेरलिंगन के वास्ते 350 SRD और मिलो लेरलिंगन के लिए 275 SRD। जिन माँ बाप के पास एक से ज़्यादा बच्चा है जो स्कूल जाते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को ये मौका भी नहीं है ये रकम जो है हिस्सा हिस्सा में भरने के लिए। एक बार में ये रकम भरना है, ये पूरा रकम लोगों को अदा करना है। माँ बाप या जो लोग स्कूल जाते हैं, इन लोगों को यह पैसा अदा करना है। और ऐसा मौका था अगस्त के 9 तारीख नहीं हो अगस्त तक। जो लोग इस पर गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चों का इंस्क्राइबिंग नहीं होगा और लोग पढ़ाई जारी नहीं कर पाएंगे। ना ही इंस्क्राइबिंग, नया इंस्क्राइबिंग और बिहार इंस्क्राइबिंग नहीं होगा अगर लोग पैसा नहीं भरेंगे। बहुत से माँ बाप का ये मानना है कि ये एक किस्म का दबाव है जो इन लोगों पर डाला जाता है, क्योंकि हर वक्त इन लोगों के पास पैसा नहीं होते हैं, ख़ासतौर पर जिन माँ बाप के पास एक से ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल जाते हैं। फेहापे का पार्लियामेंटारियर पंचघर का नेता जो है महेंद्र जोगी, कहते हैं कि इन्हें काफ़ी चिंता है बहुत से ऐसे बौद्ध लांदर्स को देखकर यहाँ सुरिनाम देश में। वो बताते हैं कि बहुत से ऐसे बौद्ध लांदर्स यहाँ पर आते हैं और इनका असर ज़रूर होगा आने वाले चुनाव जो 25 तारीख में 2020 में होने वाले है। दावला सुरिनाम से महेंद्र जोगी ने यह कहा है कि कुछ सोवन हाइतियारन इलाका सारामाका में इस वक्त है और हो सकता है ये सब
वहाँ पर रखा गया है एनडीपी के कैंडिडेट्स पर वोट करने के वास्ते। मेस्टर पे चंद दिशोवाह पर बहुत से ऐसे हाइटियानन हैं जिनके पास आईडी कार्ड थे या एक फरलोपक या तो परमानेंट फरब्लेव इन लोगों के पास है, और ये हाइटियानन जो है इन लोगों का ज़रूर कोई ताल्लुक है, कोई संबंध है कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट के साथ। बदले में इन लोगों को जो यहाँ पर रहने के लिए मौका दी जाती है, तो बदले में हो सकता है इन लोगों से ये मांग किया जाएगा कि इन लोगों को ये एनडीपी का कहना मानना है और इन लोगों पर वोट देना है। इन लोगों को देना का जो कैंडिडेट रहेगा सारामाका में, इन लोगों पर वोट करना चाहिए। ये एक लॉन्ग वीकेंड है, ये लॉन्ग वीकेंड सुख से कल से शुरू हो गया है। सूरीनाम देश में एक एक्स्ट्रा लॉन्ग वीकेंड है। सुख 9 तारीख कल ये दाहदर इन हेमसन था, एक नेशनल फ्राइडे, और आने वाले सोमवार 12 तारीख को ईद उल अदा है, कुर्बानी है, जो हमारे मुसलमान भाई बहनों मनाते हैं। 2006 से दाहदर इन हेमसन ये बराबर है एक एतवार से, ये ऐसा तय हुआ है 2006 से कि दाहदर इन हेमसन एक नेशनल फ्राइडे छुट्टी का दिन रहेगा। उसी दिन भी याफान से इमिग्रांसी लोग मनाते हैं, जाबी लोग के अप्रवासी लोग मनाते हैं। ईद उल अदा ये मुसलमान लोगों के अंदर, ये इस्लाम के अंदर दो में से एक सबसे बड़ा त्यौहार है जो मनाया जाता है, और सरकार 2010 में भी ये फैसला लिए है कुछ इस्लामी तिस और खानी साजिश के मांग पर कि ईद उल अदा भी एक नेशनल फ्राइडे करार किया जाए, तो ऐसा हुआ है। तो ये लॉन्ग वीकेंड कल सुख से शुरू हुआ है और सोमवार तक छुट्टी का दिन रहेगा, क्योंकि सोमवार को हमारे मुसलमान भाई बहनों जो है ये ईद उल अदा मनाएंगे। रोजबेल गोल्ड माइन के बारे में हम आपको बता चुके थे, वहाँ पर दंगे फसाद हुए हैं और वहाँ पर इस वक्त काम नहीं हो रहा है। इस इन तमाम मामला में जो है दंगे फसाद जो हुए थे, एक आदमी एक इलखाल खोद सुकर एक पोर्ट नौकर का देहांत हो गया है गोली लगने से, इस पर गोली चलाया गया है। यहाँ पर जो है काम नहीं होता है, सिर्फ राफिनादर रे जो है कुछ हद तक ये चलाया जाता है, बाकी के जितने यहाँ का मजदूर है सब घर पर है और लोग इंतज़ार में है कि आगे क्या होगा। फकपोंसले दरलोयरीत ये कहते हैं कि ये बातचीत की है जनरल मैनेजर के साथ रोजेवाल गोल्ड माइंस का, मार्टिन बुसेयोर के साथ, और दोनों को काफ़ी चिंता है इस समस्या से जो इस वक्त हो रहा है, और रीत ये कहते हैं कि इसका असर भी यहाँ का मजदूर पर होता है, क्योंकि इन लोगों को गारंटी नहीं है कि इन लोगों को वापस नौकरी पर लोग लेंगे या नहीं, ये नौकरी लोग जारी करेंगे या नहीं, इन लोगों का नौकरी सेफ है या नहीं। वैसे अभी कितने दिनों से वहाँ पर जो है काम नहीं हो रहा है, तो भी इन लोगों का तनख्वाह भरा जाता है। 12 यूरख वर्कदाह के मुताबिक इन लोगों का तनख्वाह भरा जाता है, तनख्वाह इन लोगों को मिलता है। रीत ये कहते हैं कि वो कई बार ये कह चुके हैं कि सभी लोगों जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं इन लोगों को बैठकर ये मामला सुलझाना चाहिए, और इसमें इलाहाल मेन वर्कर्स जो है या हाउस वर्कर्स जो है इन लोगों को भी शामिल करना चाहिए, इन लोगों से भी बातचीत करना चाहिए। वो कहते हैं कि सरकार फकबॉन्ड ये बदरेफ खुद आईएम गोल्ड जो है और भी जो वहाँ पर इलाहाल पोर्ट नौकर से खौद सुकर से इन लोगों के साथ मिलकर आपस में बातचीत करना चाहिए, और ये चाहते हैं कि लोगों के सुरक्षा का गारंटी दिया जाए अगर लोग वापस जाएगा वहाँ पर काम करने के वास्ते। ये मामला जो इस वक्त है यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, इससे न सिर्फ रोजेवाल गोल्ड माइन को हानि होगा लेकिन मज़दूर को भी हानि होता है, और ये इसलिए क्योंकि मज़दूर को चिंता है, गारंटी नहीं है कि कब से फिर लोग काम पर जा सकते हैं, और आमदनी रोजेवाल गोल्ड माइंस का भी नहीं रहेगा अगर काम नहीं होगा। ये सुनने में आए हैं कि स्टीव लेटविन जो प्रेसिडेंट सीईओ है गोल्ड माइंस का, ये सूरीनाम देश आए हैं यहाँ पर मामला देखने के लिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए, और बातचीत वो भी किए हैं प्रेसिडेंट देसी बौतश से। आई एम गोल्ड के प्रोडक्ट सेफिश पर ज़रूर इस साल काफ़ी असर होगा अगर ये काम जो है लोग जल्द में जारी नहीं करेंगे, शुरू नहीं करेंगे। ये मामला जो है कि यहाँ पर काम नहीं होता है, ये
ये एक बार 28 तारीख जुलाई से है, मतलब 28 तारीख 28 जुलाई से आई एम गोल्ड रोजवेल्ट गोल्ड माइंस पर नौकरी लोग नहीं करते हैं, काम नहीं होता है। स्टीफन कोटिनो जो है सोमवार अगस्त के 5 तारीख से नया अल्खमीन डायरेक्टर सीईओ है सुरीनाम से बैंक का, द सुरीनाम से बैंक डीएसबी का। इससे बोहाना लियू ही गोनेश के जगह पर आए हैं जो नेहंतिन यानी वारी 2017 से वहां पर वार नेमिंग में बैठा था। लियू ही बताई है कि बातचीत करने के बाद आपस में वो बात किए हैं बाकी के डायरेक्टर के साथ और उन्होंने खुद ये तय किए हैं कि वो अपना करियर वो बैंक को छोड़कर बैंक से बाहर अब जारी करने वाले हैं। डायरेक्टर टीम में सिर्फ रह गया है पुराने लोग में रनी फनरोय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर पीटर नंगाताम जो है ये खुद गुजारिश किए हैं वहाँ से जाने के लिए, वो नवंबर के 1 तारीख तक इनका संबंध रहेगा डीएसबी से और तब तक ये ऑफिसर रहेगा डायरेक्टर का। कोटिनो जो है ये होफ्त ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के पास काम कर चुके हैं, ये रॉयल बैंक ऑफ कनाडा के पास, ये कनाडा का सबसे बड़ा बैंक है और इससे पहले 17 देशों में वो कुछ ऐसे काम किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव लाए हैं। और ये भी बताया गया है कि कोटिनो जो है मैनेजिंग डायरेक्टर भी था रॉयल बैंक ऑफ कनाडा का और ये एन फरंतवोर्डलक भी था नीदरलैंड्स अंतेल और सुरीनाम के लिए, ये है आरबीसी के पास। इससे पहले भी वो चीफ कमर्शियल ऑफिसर था हाकरिंग बैंक सुरीनाम के पास। कोटिनो के पास एक मास्टर डिग्री है इन नतुरकुंद और एमबीए किए हैं फिनंसियन का वर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस के पास पेनिसलेफिया में। इसके अलावा दो किताब उन्होंने भी लिखे है, ये है थिंकिंग आउटसाइड नेचर्स बॉक्स और ब्रेकिंग रैंक। एक वियतनाम का आदमी वियतनामी सम्मान दुआना रिसर्च योहान अडोल्फ पेंगल हवाई अड्डे पर लुफ्थाफन पर इनको गिरफ्तार किए हैं। इनके हाथ बखाश में एक बहुत ही बड़ा रकम मिला है यूरोस में। ये आदमी जो है ये बता नहीं पाए पैसा इनके पास कहाँ से आई है और ऊपर से पैसा अगर आप इतना बड़ा रकम सुरीनाम देश से बाहर लेकर जाने वाले हैं तो इसके लिए आपको दफीस कॉमेसी की इजाज़त चाहिए, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था। दुआना रिसर्च जो है इस आदमी को और ये पैसा को दोनों को ये आदमी को गिरफ्तार किए, पैसा को कब्ज़े में लिए है और ये बताए है कि ये आदमी जो है ये दफीसवैत और स्मोकल दकरीत इन दोनों का उल्लंघन किए है। ये विदेश जाने की तैयारियां कर रहा था, विदेश जाने वाले था ये पूरा रकम के साथ। इनको मौका दिया है कानूनन वैतलक इनको मौका मिला है, ये जो मामला है प्रोसेस के बाहर बहुत प्रोसेस इसका रफा दफा करने के लिए इनको काफ़ी बड़ा रकम जुर्माना भरना पड़ा, एक बूता इनको भरना था और भरने के बाद इनको फिर मौका दिया गया है सफ़र करने के लिए सुरीनाम देश से वो रवाना हुए हैं। जूलियन वीलिंगन 17 साल का एक लड़का इनका देहांत हॉस्पिटल में हुआ है, इनका हादसा हुआ है अगस्त के 6 तारीख को इंदिरा गांधी वेग पर और अगस्त के 7 तारीख हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया है। जूलियन वीलिंगन 17 साल का ये ब्रॉमफिट्सर था, डियो राइडर था, इनका नेव ये है जो ब्रॉमफिट्स चला रहा था, मुमकिन ये काफ़ी तेज़ी से ब्रॉमफिट्स चला रहा था और ये हादसा हुआ है, दोनों सड़क पर गिर गए थे। जूलियन जो है ये बुरी तरह से घायल हुए थे, इनको घायल अवस्था में लोग ले गए हैं और अगले दिन इनका देहांत हो गया है। जूलियन वीलिंगन 17 साल का जो है इनके देहांत हो जाने से फरकेश बारो मीटर जो है 41 एरन फेयर तक पर आकर पहुंच गए हैं। स्पा का फोर्सिटर एसपीआर का फोर्सिटर खुनो कास्तलन जो है इनका नियुक्ति हुआ है, ये वकील बना है सुरीनाम देश में, ये पुराना असम्बलीलिट पुराना मिनिस्टर है, इकोनोम भी है, फकवंस लेदर भी है और सुरीनाम से पढ़ते फंड आरबेट का फोर्सिटर जो है खुनो कास्तलन, ये कहते हैं कि इनका लिए ये नया चुनौती है और वो 6 दूसरे यूरिस्टन के साथ इनका बेहिंग हुआ है होफन यूस्टिसी के जरिए, ये अब वकील बन गया है, एडवोकेट है।
कास्टलन जो है 2011 से ये रक्त स्टडी शुरू किए थे अंतोंदकॉम यूनिवर्सिटी फन सुरीनाम पर। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। ये लॉन्ग वीकेंड के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये लॉन्ग वीकेंड जो कल सुख से शुरू हो गया है, तो हम तमाम इंगी लोग जो है दादर इनहेलसन के मौके पर, तो भी आज हम इन लोगों को मुबारकबादी देते हैं। जाबी लोगों को हम मुबारकबादी देते हैं यफान से इमिखरासी के मौके पर, और सभी मुस्लिम भाई बहनों को जो लोग ईद उल अदा मनाएंगे, आप सभी को कुर्बानी के मुबारकबादी भी हम देते हैं। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।